दोस्तों कई यूजर्स की ये शिकायत है कि वीवो जीवन एक्स में कंटिन्यूसली ऐप क्रैश हो रहे हैं और मेजरली ये ऐप क्रैश हो रहा है म्यूजिक एप्लीकेशन में। तो आज मैं इस वीडियो में आपको सोल्यूशन देने वाला हूँ कि ये आप ऐप क्रैश अपने मोबाइल में कैसे बंद कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं विशाल टेक थेरेपी। दोस्तों शुरुआत करते हैं, सबसे पहले जो रीसेंट अपडेट आया है इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा अपडेट इसमें आया था। इसमें एक अपडेट आया था रिसेंटली जिसमें सिस्टम को स्टेबल किया गया है काफी, जिसमें सिस्टम काफी हद तक स्टेबल हो चुका था और उसमें ऐप क्रैशिंग की समस्या मुझे तो अभी तक फेस नहीं हुई है। अगर आपको फेस हुई है तो मैं आपको कुछ ऐसे अच्छे तरीके बताऊंगा जिसकी वजह से आपका ऐप क्रैश होना बंद हो जाएगा। सबसे पहले अगर बात करें इसके म्यूजिक डिफॉल्ट म्यूजिक एप्लीकेशन की, तो अगर आप इसे कंटिन्यूसली चला के रखेंगे बैकग्राउंड में और इसे पावर बटन दबा देंगे तो थोड़ी देर बाद ही अपने आप ऐप क्रैश हो जाता है और आपका म्यूजिक स्टॉप हो जाता है। तो आप कोशिश करें कि आप इस म्यूजिक प्लेयर में अपने गाने ना चलाएं और कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसमें म्यूजिक चलाएं। दूसरा जो इसका तरीका है वो है इसके रीसेंट ऐप्स। ज़्यादा रीसेंट ऐप खोलने से क्या होता है कि इसकी मेमोरी मैनेजमेंट उतनी अच्छी नहीं है, जिस वजह से बाकी एप्लीकेशंस को मेमोरी में रखने के लिए कुछ एप्लीकेशंस को ये फोर्स क्लोज कर देता है। फोर्स क्लोज मतलब मेमोरी से हटा देता है, जिसकी वजह से वो एप्लीकेशन बंद हो जाती है। तो कोशिश करें कि अपनी जो रीसेंट एप्लीकेशन है उसको हमेशा बंद करके रखें, हटा के रखें। इसको क्लियर रखने से भी फ़ोन को एक बूस्ट मिलता है, जिसकी वजह से आपका जो फ़ोन है उसमें ऐप क्रैशिंग की समस्या नहीं होगी। आप इसकी मेन सेटिंग में जाएं, इसमें आप मोर सेटिंग्स पे क्लिक करें। मोर सेटिंग के अंदर इसमें ऐप मैनेजर नाम का एक ऑप्शन होगा, इसे क्लिक करने के बाद इसके आप डिफॉल्ट म्यूजिक प्लेयर पर जाएं जो कि है आई म्यूजिक, उसे ढूंढने ये रहा, उसको आप फोर्स स्टॉप कर दें। अगर ये एप्लीकेशन आपके मोबाइल में फोर्स स्टॉप रहेगी या डिसेबल रहेगी तो आप इस एप्लीकेशन का दूसरे एप्लीकेशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और आपके फ़ोन में जो म्यूज़िक की पर्टिकुलर एप्लीकेशन जो क्रैश होती है वो क्रैश होना बंद हो जाएगी। जहाँ तक मुझे कंप्लेंट्स आई हैं वो ज़्यादातर जो क्रैशिंग हो रही है वो सिर्फ म्यूज़िक प्लेयर की हो रही है। तो आप इसके डिफ़ॉल्ट म्यूज़िक प्लेयर को यूज़ करने से अपने आप को रोकें और कुछ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से, वो काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है इस मोबाइल के लिए। इसमें आप अपने सिस्टम के ऐप क्रैश को बचाने के लिए एक और काम कर सकते हैं जो कि काफ़ी मैंडेटरी है। अगर आपके सिस्टम में ऐप क्रैश नहीं भी हो रहा है तो आपको ये चीज़ करनी चाहिए। आपको सेटिंग पे जाना है, इसके बाद आपको सर्च करना है इसमें रैम एंड स्टोरेज, जो कि आपको दिख जाएगा यहीं पे। इसमें क्लिक करने के बाद आपको क्लीन अप स्टोरेज पे जाना है और इस एप्लीकेशन का काफ़ी तरीके से यूज़ करना है। आपको इसमें फालतू की चीज़ें जंक ऐप्स कैश है उसको टाइम टू टाइम क्लियर करते रहना है। इससे आपके सिस्टम की स्टेबिलिटी काफ़ी बढ़ेगी और जितना लैगिनेस और स्लोनेस है वो कम होगी, क्योंकि क्या होता है कि जो कैश फाइल्स होती है ना वो हमेशा मेमोरी में ही रहती है, वो मेमोरी से बाहर नहीं जाती, जिसकी वजह से बाकी सिस्टम एप्लीकेशन को जगह नहीं मिलती और सिस्टम को फोर्सली उस एप्लीकेशन को क्लोज करना पड़ता है, जिसे आप ऐप क्रैश भी कहते हैं। तो कोशिश करें कि इन एप्लीकेशंस को अपनी मेमोरी से हमेशा बाहर की तरफ रखें और फ़ोन को 2 या 3 दिन में एक बार सिस्टम को रिबूट करना, 3 दिन में नहीं भी तो 1 वीक में एक बार सिस्टम को रिबूट करने की कोशिश करें, ये भी आपके सिस्टम को काफ़ी हेल्प करेगी। इसके अलावा कोई भी अनसेफ एप्लीकेशन क्रोम ब्राउज़र से या किसी भी ब्राउज़र से डाउनलोड ना करें जो कि ऑथेंटिकेटेड ना हो। अगर आपको कोई एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे नहीं मिलती है तो पहले उसे वेरीफाई कर लें कि क्या वो एप्लीकेशन वेरीफाइड है या उसकी वेरीफाइड साइट से आप उसे डाउनलोड कर रहे हैं। अगर आप किसी भी एप्लीकेशन को किसी भी वेबसाइट से डाउनलोड कर लेंगे तो उसमें मालवेयर हो सकता है जो कि आपके सिस्टम को काफ़ी स्लो कर देगा और बाकी एप्लीकेशन पर भी इफेक्ट पड़ता है के लिए। उसके अलावा इस मोबाइल में अपडेट्स आने वाले हैं। वीवो के रिसेंट जो फॉरम है उस पर बताया गया है कि इसमें कई सिस्टम स्टेबल का और कैमरे क्वालिटी की इम्प्रूव करने का एक नया अपडेट आने वाला है जो कि काफ़ी अच्छा कर देगा इस फ़ोन को। इस प्राइस रेंज में ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है और काफ़ी चीज़ें आपको काफ़ी फीचर्स देता है ये, तो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ एक ऐप क्रैशिंग की वजह से आपको इस फ़ोन को नहीं लेना चाहिए या अभी इग्नोर करना चाहिए। आज भी ये फ़ोन काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है। मैं इसे Realme 5 Pro और कई ऐसे 712 प्रोसेसर वाले फ़ोन के ऊपर रखता हूँ। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्प करेगी और आपकी एप्लीकेशन जो क्रैश हो रही है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट होगा और एप्लीकेशन क्रैश होना बंद होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, शेयर करें हमारा वीडियो अपने दोस्तों के साथ में और बने रहें। थैंक यू सो मच।